हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम आप सब का झारखंड के लोग ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं फिर से आ गई हूँ मेरे मुर्गियों को चारा वगैरह देने। तो चलिए आज बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि मैं कबूतर में 3 अंडे रखी थी और मेरे मुर्गी है उसके अंडे वगैरह को बैक कैमरा से देख लीजिए। देखिए, मैं फिर से अपने चिड़ियों के पास और मुर्गियों के पास आ गई हूँ। मैं आज अचानक से देख रही हूँ कि मेरा एक चिड़िया के पैर में, कुछ कबूतर के पैर में चोट लग गई है। तो मैं यहाँ छोड़ूंगी तो मुर्गी इन्हें परेशान करेंगे, तो मैं इसे ले जाती हूँ और एक दो दिन इसका इलाज करूँगी पैर का, इसके बाद ले आऊँगी। देखिए यहाँ पर उड़ने का कोशिश कर रहे, नीचे गिर गया था, मैं उठाई और यहाँ पर रख दी थी। चलिए लेके चलती हूँ। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ढक के रख दी हूँ, दवाई मैं लेके आऊंगी फिर लगाऊंगी। मेरे पास था, लग रहा है उसी ही ढूंढ के लगाऊंगी। इसे बहुत ही दर्द हो रहा है, इसके एक पैर में चोट है। मैं ये मुर्गी के दाने लेके आई थी, उसे भी दे देती हूँ, थोड़ा खा के देखेगा। ए हट, देखिए मैं चारा वगैरह तो दे दी हूँ, अब ये खा रहे हैं। और ये आसपास तो कोई अंडे, अच्छा एक अंडे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर मैं 5 अंडे रखी थी, लेकिन आप सबों को क्लिप दिखाऊंगी कि मेरा कड़कनाथ मुर्गी यहाँ पर, कभी कभी जब यहाँ की मुर्गी अभी चारा खाने के लिए नीचे गई है तो उसी टाइम में वो कड़कनाथ आके बैठ जाती है। मुझे लगता है वही कड़कनाथ ही इसके एक अंडे को खा ली। और मैं कल चेक की थी तो इसमें से 3 अंडे में बच्चे चूजे बन रहे हैं और फिर एक अंडा इसमें भी बच्चे शायद खराब हो गए हैं। तो देखती हूँ, उसमें वो अंडा को निकाल दूंगी, आगे मैं अपडेट दूंगी। और देखिए यहाँ पर चिड़िए, अरे यहाँ पर भी देखिए, मैं देखी नहीं थी, यहाँ पर भी एक मुर्गी ने भी अंडा दे दिया है। कब दिया है देखी नहीं, उस अंडे को निकालती हूँ। कितने दिनों से अंडे पर कबूतर सेक रही थी, देखिए शायद इसमें भी मुझे लगता है बच्चे वगैरह बन गए होंगे। कितने दिनों से इसे सेक रही है मैं चेक कर लूंगी। और यहाँ पर 2 अंडे दिए हैं और यहाँ का अंडा भी आज का ही होगा शायद, इसे भी उठाती हूँ। और चलिए चेक करते हैं कि किस किस में अभी तक अंडे वगैरह दिए हैं। यहाँ पर तो कोई अंडे नहीं है, यहाँ पर भी फिलहाल नहीं है। अरे यहाँ पर सेक रही थी, मैं देखी नहीं, कैमरा नजदीक नहीं दी तो। यहाँ पर ही मैं 3 रखी थी, लेकिन देखिए एक अंडे को शायद बाहर फेंक दी और अपने 2 अंडे में बैठ गई है। चलिए इस अंडे को चेक करते हैं कि इसमें बच्चे बने हैं या नहीं। मेरा कड़कनाथ मुर्गी, आज दिखाती हूँ क्या हो गए, पता नहीं। एक दिन भी इसी तरह से की थी, आज भी फिर से। उस दिन तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आज देखी तो बना रही हूँ। देखिए अंडा खाती है और देखिए वो जो दूसरे मुर्गी कुड़क बैठी है उसी अंडे में बैठ गई है। मुझे डर भी लग रहा है कहीं अंडे को फोड़ ना दे। देखिए देखिए, चले निकल, वो दूसरे मुर्गी सेकती है उसके अंडे में जाके बैठ गई है। बताइए कहीं फोड़ने को तो नहीं फोड़ी है, उस दिन भी एक दिन भी इसी तरह से बैठी थी। कहीं अंडे देने के लिए बैठी है या क्या, समझ में नहीं आ रहा है।
देखिए सामने ये मुर्गी भी आ गई है, मैं उसे हटाती हूँ एक मिनट, फिर उसे बैठा दूंगी। चारा खाने के लिए नीचे गई थी और ये आके सामने इसके अंडे में बैठ गई। गेट खुला है। देखिए मार रही है मेरे को, बाहर निकालने नहीं दे रही है। चलो यहाँ रख दी हूँ, अब देखती हूँ उसकी मम्मी आती है या नहीं। चलिए अंडे लेके आ गई हूँ, अब पहले तो चेक करके देखते हैं, मोबाइल से ही चेक करूंगी। देखिए चूजा बनना चालू हो गया है, छोटा सा दिख रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर काला सा हो गया है, यह बच्चे बनने लग गए हैं। इसे कबूतर सेक के इतना बच्चा बना लिया, दो अंडे तो थे कबूतर के लेकिन मुर्गी भी कब अंडे दे दी थी और उसी में वो बैठना शुरू कर दिया। तो मैं, अच्छा हुआ मैं इनक्यूबेटर में अंडे डाल चुकी हूँ, तो इसी में डाल के रख दूंगी। उससे पहले मैं इनक्यूबेटर में अंडा डाली थी 19 जनवरी, तो अभी शायद चार पाँच दिन हो रहा होगा 19 जनवरी और आज है 23, तो हाँ 4 दिन हो गया है। चलिए चेक करके देखते हैं कि इसमें, पहले तो इसे बंद कर देती हूँ, बच्चे बनने चालू हुए हैं या नहीं। एक एक अंडे को अच्छी तरह से चेक करूंगी और उसी में रख दूंगी और फिर बाद में इस अंडे को भी डाल दूंगी। देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए इसमें भी अंडे बच्चे बनना चालू हो गया है, मुझे बहुत ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर छोटा सा जितना बड़ा यहाँ अंडे कबूतर सेक के बच्चे बने, उतना ही इसके भी रेड रेड हो गया है। ये ठीक है, अभी सभी को इसी तरह से चेक करती हूँ एक एक को। देखिए ये भी अनफर्टिलाइज लग रहा है, इसमें भी अभी तक बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, तो 2 हो गया जिसमें बच्चे नहीं बने हैं। अब देखते हैं 6-7 मुझे लग रहा है जिसमें बच्चे नहीं बने हुए हैं। एक कड़कनाथ का तो मैं देखी जिसमें बच्चे है, इससे भी चेक करती हूँ। हाँ ये कड़कनाथ, दोनों कड़कनाथ तो अभी तक अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे 6 या 7 इसमें अनफर्टिलाइज लग रहा है और 2 दिन देखती हूँ। इसे जो कबूतर जो सेका था उस वाले अंडे है, इसे मैं रखती हूँ और इसमें निशान भी बना देती हूँ। आप सबों को मैं बताई नहीं थी, जो ह्यूमिनिटी फोगर तो मैं लगाई नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे ह्यूमिनिटी कम लग रहा था, तो देखिए इस तरह से कपड़े को मैं ली हूँ और ह्यूमिनिटी बनाने के लिए। और इसमें इसे मैं दिन में 1-2 बार बीच में भिगो देती हूँ इस तरह से पानी में। देखिए इस तरह से भिगोती हूँ, फिर इसे निचोड़ कर
इस तरह से निचोड़ कर इसमें रख देती हूँ ऐसे। फिर इस तरह से अब इसे मैं इस तरह डाल दी हूँ। अब लाइट ऑन कर देती हूँ। देखिए तो अच्छी तरह से अब इसमें ह्यूमिडिटी बनना चालू हो जाता है कपड़े गीले होने के कारण। अभी तो अभी ऑन की हूँ इसलिए ह्यूमिडिटी फिर भी 49 है, 0.6 50 हो गया, तो 50 और 55 के लगभग ह्यूमिडिटी रहता है। और चलिए फ्रेंड्स, मेरा एक कबूतर जो मैं लेके आई थी आप सब हमको दिखाई थी कि उसके पैर में चोट लग गया था है, तो मैं यहाँ जब से लाई हूँ तब से दाना पानी ही खाना बंद कर दिया है, तो अभी उसका घाव थोड़ा सा अच्छा हो गया है तो उसे अब ऊपर लेके छोड़ देती हूँ, यहीं पर लाके रखी हूँ। देखते हैं वहां पर चलता फिरता है या नहीं, अभी थोड़ा सा तो चलिए। दवाई वगैरह तो मैं डाल दी थी, अब छोड़ते हैं इसे लेके। देखिए यहाँ पर लाई तो एक बहुत खुश हो गया, निकलने मांग रहा है। चलिए चलिए देखिए फिर से उठ गई है अपने कुड़ुक मुर्गी, अंडे सेकने वाली है ये। चलिए उड़कर चला गया, ये मेल है या फीमेल मुझे उतने अच्छी तरह से पता नहीं चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्कार।